दोस्तों मुझे कुछ झटका नहीं लगा है, बल्कि मोन 91 समय समय पर झटका देते रहता है, समय समय पर ऐसा फीचर देते रहता है कि लोग झटक जाते हैं, झटका आ ही जाता है। दोस्तों आप देख लीजिए, एग्जांपल आपके सामने है, कीबोर्ड 91 ये लाया, यानी दोस्तों कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जिसे आप टाइपिंग करते हैं, उसमें भी ये नेटवर्क को डाल दिया, उसमें भी दोस्तों यहाँ पे कमाई करने का ये जरिया बना दिया। कभी कोई सोच नहीं सकता था कि कीबोर्ड ऐसा डिवाइस पे भी नेटवर्क को ऐड किया सकता है, झटका लगा। अब दोस्तों कुछ दिन पहले डायलर 91 आया है, यानी कि आप डायल करके कॉल करके किसी को आप पैसे कमा सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन दिया है, लॉन्च हालांकि अभी तक नहीं हुआ है, तो ये झटका ही तो है। अब आज देख लीजिए, आज मैं जो वीडियो जिस टॉपिक बना रहा हूँ ये देख लीजिए, झटका के समान ही है। ये देखिए दोस्तों, मैंने सुबह पोस्ट भी डाला था। अब दोस्तों मैंने पोस्ट डाला है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कमेंट आप लोगों ने किया है, कितना ज्यादा कमेंट किया है। दोस्तों ये जो कमेंट आया है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, करीब 27 के करीब जो कमेंट है, दोस्तों धीरे धीरे कमेंट बढ़ेगा ही, लेकिन ये दोस्तों जो कि कमेंट मुझे एक महीना में आता था, मैं दिखा देता हूँ पिछला एक महीने का जो पोस्ट है मेरा, वो देख लीजिए, एक महीना हुआ तो यहाँ पे दोस्तों करीब 30-29 जो है कमेंट आया है। लेकिन आज जबकि एक दिन कंप्लीट भी नहीं हुआ है, फिर भी ये 27 कमेंट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि ये क्या चीज है। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं दोस्तों कि जितने भी मोर 91 के यूजर हैं, उसमें से 35% ये जानते होंगे इसके बारे में, जो आज ये इन्फॉर्मेशन दिया है मोर 91। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं 65% ऐसे लोग होंगे जो सुने होंगे लेकिन जानकारी नहीं होगी कि भैया ये क्या होता है। और दोस्तों आप ही में से एक भाई ने कमेंट ये किया है कि मोर 91 ने रास्ता ढूंढ लिया है कमाई करने का, तो जाहिर सी बात है दोस्तों उनको ये मालूम बखूबी होगा कि इसका क्या फायदा होता है, इसका क्या बेनिफिट होता है, जो ये लॉन्च किया है मतलब करने वाला है मोर 91, उनको मेरे भाई को जरूर पता होगा। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ये है क्या, क्या ये फायदेमंद है कि नहीं है, इसे क्या फायदा होगा कंपनी को, क्या फायदा होगा हमको, ये सारा जानकारी मैं आपको इसमें देने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों, कंप्लीट देखिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मुकेश कुमार स्वागत करते हैं आपको डोंट वरी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कीबोर्ड 91 से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और यहां पे इसके बारे में जानकारी देता हूं, और साथ ही साथ दोस्तों मैं ऑनलाइन काम के बारे में आपको बताता हूं, फ्री फोकट वाला, यानी कि एक भी पैसा आपका पैकेट से ना लगे ऐसा काम मैं बताता हूं ताकि आप ऑनलाइन पैसे कमा सके। तो चलिए दोस्तों आते हैं आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों आज का टॉपिक आप सभी लोग जानते हैं कि मैं बताने वाला हूं कि ये जो नया इन्फॉर्मेशन आया है मोर 91 की तरफ से, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। टॉपिक जैसा कि मैंने बताया कि है कि नया जो है एक इन्फॉर्मेशन मिला है मोर 91 से कि एक चीज लॉन्च करने वाला है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख लीजिए दोस्तों, और मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं कि यहां पे क्या लिखा हुआ है। आ रहा है दुनिया का पहला क्रिप्टो टोकन जो आपकी दैनिक जरूरतों को पूरा करेगा। ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी पर आधारित 100% सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खरीदें, बेचें एवं एक्सचेंज करें, इससे अपनी दैनिक जरूरतों को भी पूरा करें। भविष्य में बनेगा बिटकॉइन का भी बाप मोर 91। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको पढ़ बता दिया कि ये क्या है। अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि ये एक्चुअली में क्या है, इसको क्या बोलते हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग प्लीज माथा मत लगाइएगा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ सुनिएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 1 by 1 जो है स्टेप, एकदम इजी स्टेप में आपको सारा चीज बताने वाला हूं ताकि आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि अभी तो लॉन्च हुआ नहीं है, उससे पहले आप लोग समझ लेंगे तो आसानी से इसको आप कर सकते हैं। तो समझिए एक्चुअली में है क्या दोस्तों। सबसे पहले समझ लीजिए क्रिप्टो करेंसी। तो सबसे पहले क्रिप्टो को आप हटा दीजिए, क्रिप्टो को माइंड से आप निकाल दीजिए। करेंसी, करेंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों। करेंसी मतलब हम लोग का देश का जो रुपया है, अदर जो कंट्री है उसका, जैसे इंग्लैंड का डॉलर हो गया, अमेरिका का डॉलर हो गया, हर का अपना अपना हो गया होता है, हर का अपना एक करेंसी होता है, तो दोस्तों वो करेंसी होता है। ठीक है, तो वो होता है जनरल, यानी कि लीगल करेंसी जो देश में चलता है, जिसके माध्यम से आप कुछ पैसा से कुछ खरीद सकते हैं, कुछ बेच सकते हैं। करने का मतलब है कि आप मान लें कि बाजार में गए, वहां आम खरीदना है तो आप पैसे देकर आम खरीद सकते हैं। लेकिन ये जो करेंसी है, ये करेंसी दिखाई नहीं देता है। ये जो मोर 91 लॉन्च करने वाली है, इसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, जो कि वर्चुअल रहता है, दिखाई देता ही नहीं है। ठीक है, वर्चुअल मतलब ऑनलाइन आपको दिखाई देगा सिर्फ, उसको वहां पे खरीद बिक्री आप कर सकते हैं, आप इसको हाथ से, हाथ में आप ले नहीं सकते। जैसे रुपया हो गया, उसको हाथ में आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, रख सकते हैं, डॉलर हो गया उसको ले सकते हैं, लेकिन ये जो करेंसी है क्रिप्टो करेंसी, वो उसको आप सिर्फ देख सकते हैं, वो ऑनलाइन, वैसे आप नहीं देख सकते, सिर्फ देख सकते हैं, नहीं उसको छू सकते हैं, नहीं उसको आप हाथ में ले सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा, और उसी आदमी को दिखाई देगा जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करता है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे आ गया ऑनलाइन ट्रेडिंग। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत मेरे ऐसे दोस्त होंगे जिनको मालूम होगा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होता है। अब दोस्तों ऑनलाइन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब
लेनदेन करना, जहां पे आप लोग व्यापार करते हो, कुछ खरीदना कुछ बेचना, जाहिर सी बात है ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन ये काम अगर किया जाए लेनदेन करने वाला, तो वो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो जाता है। अब यहां पे क्या है, मैं आपको कुछ नाम बताना चाहता हूं, हो सकता है आपने सुना होगा, जैसे वजीरेक्स, क्वाइन स्विच, देखते होंगे ऐड देता होगा टीवी वगैरह में, या फिर आप यूट्यूब पर जब वीडियो देखते हो तो वहां पे भी ऐड देता है स्विच, कुबेर, क्वाइन स्विच, ये सब क्या है, प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का मतलब एक ऐसा जगह है जहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों वहां पे ट्रेडिंग किसका होता है, इसी का होता है, ये जो लॉन्च होने वाला है क्वाइन, ये जो मोन 91 लाने वाला है, इसी का ट्रेडिंग वहां होता है। अब जैसे मान लिया जाए कि आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन, बहुत सारा है यूएसडीटी, बहुत सारा क्वाइन है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉल 91 नहीं आज लॉन्च कर रहा है, ये पहले से ही है। जैसे आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन, बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, यूएसडीटी, बहुत सारा क्वाइन है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं तो गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं क्वाइन कितने तरह का है। तो ये क्या है, क्वाइन के फॉर्म में होता है, इसका एक वैल्यू होता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए दोस्तों कि एक क्वाइन का वैल्यू 50 रुपया है अभी, ठीक है, अब उसको लोग परचेज करता है, अब क्या होता है कि लोग परचेज करके वहीं पर छोड़ देता है, ठीक है, उसके बाद जब इसका वैल्यू बढ़ता है तो वहीं पे लोग सेल भी कर देता है, तो उसका जो बेनिफिट है उसको मिल जाता है, यानी कि वो ऑनलाइन ही सारा काम होता है, ठीक है। तो दोस्तों उसका एक प्लेटफॉर्म होता है, हर जगह प्लेटफॉर्म पे आप ये काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भविष्य में मॉल 91 भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, क्यों, क्योंकि जब सिक्का लॉन्च कर दिया है तो ये एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा जहां पे आप जाके ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल तैयार करेगा, मैं 100% आपसे दावा कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। मेरे भाई ने गलत नहीं बोला है, जी हाँ बिल्कुल, मॉल 91 ने बहुत अच्छा एक जरिया खोज लिया है कमाई करने का, इसलिए दोस्तों मॉल 91 में कमाई बढ़ने वाला है, और मॉल 91 में कमाई बढ़ेगा तो भैया हम लोग का ये कमाई बढ़ेगा, तो ये एक तरीका है, ये है, इसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए भैया आपको कमेंट करना पड़ेगा, और ज्यादा कमेंट आप कीजिएगा तब मैं आपको बताऊंगा, बेसिक नॉलेज दूंगा, जिसे होता है ना कि बच्चों को ABCD सिखाया जाता है, पहले ABCD, वैसे मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग को पूरी अच्छा से तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब तक आप समझ नहीं पाएंगे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्च तो कर देगा मॉल 91, लेकिन समझना तो जरूरी है ना, तो मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा वीडियो के माध्यम से, आपको बताऊंगा एक्चुअली में कैसे क्या करना होता है, ठीक है। तो ये मामूली सा एक इंफॉर्मेशन दिया है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जब लॉन्च होगा तो बिल्कुल मैं भी इन्वेस्ट इसमें करूंगा। सिंपल सा एक क्वाइन है, इसको परचेज करना होता है, इसका एक वैल्यू होगा, अब उस समय क्या वैल्यू रखता है मॉल 91 वो डिपेंड करता है जब लॉन्च होगा उस समय। यानी दोस्तों चलिए मैं खुल के सब बता देता हूँ, थोड़ा सरल शब्दों में बता देता हूँ, यानी एक ऐसा क्वाइन मॉल 91 लॉन्च कर रहा है जिसका एक वैल्यू होगा, जिसको आप परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसका जब रेट है मार्केट में बढ़ेगा तो उसको बेच सकते हैं, बेच करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। सिंपल सा भाषा ये है, ठीक है, सिंपल सा लैंग्वेज यही मैं बता रहा हूं आपको, कि ये जो क्वाइन है इसको हम खरीद बेच सकते हैं, बस यही है। अब मान लीजिए कि एक क्वाइन का दाम 50 रुपया है, तो दो क्वाइन हम लेंगे तो कितना देना पड़ेगा, 100 रुपया देना पड़ेगा। हो सकता है क्वाइन का वैल्यू बढ़ जाए, 50 रुपया से 100 रुपया हो जाए। अब ये वैल्यू कैसे बढ़ता है भैया, ये बहुत डिटेलिंग में चले जाएंगे तब आपको पता चलेगा ये वैल्यू क्यों बढ़ता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में आपने सुना होगा, दाम ऊपर नीचे होते रहता है, क्यों होता है, ये डिपेंड करता है मार्केट पे, कि मार्केट कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है। बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट गेन करता है तो भैया ज्यादा वैल्यू बढ़ जाता है, कम करता है तो कम हो जाता है। तो सेम चीज इसमें भी है, सेम चीज जो ये क्वाइन है जो लॉन्च करने वाली है मॉल 91, इसमें भी सेम चीज वही है मेरे भाई, ठीक है, इसका रेट अप डाउन होते रहता है, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने आपको सारा जानकारी आपको दे दिया है, अब बात रही कि इसके बारे में डिटेल से अगर मैं बताऊंगा तो कमेंट कीजिएगा तभी बता पाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज दोस्तों कमेंट लिखिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइए कि एक्चुअली में है क्या ये जो नया लॉन्च होने वाली है मॉल 91, जो इन्फॉर्मेशन दिया है एक्चुअली में क्या है, मैंने आपको बता दिया है, समझ नहीं आएगा तो कमेंट में लिखिएगा इसे समझ नहीं आया, ठीक है। ऐसे ही प्यार बना रखिए दोस्तों, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय कीबोर्ड 91।